बैठा हुआ था और अर्जुन का छत पर आने का इंतजार कर रहा था। 10-15 मिनट हो गए थे अर्जुन का इंतजार करते करते, पर अभी तक अर्जुन वापस लौट कर नहीं आया था। यार, ये अर्जुन कहाँ चला गया? नीचे जाकर कहीं सो तो नहीं गया और मैं यहाँ पर बेवकूफ बनकर बैठा हुआ हूँ, रुद्र ने खुद से कहा। अर्जुन का बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता है तो रुद्र नीचे जाने का मन बना लेता है और वहां से उठ जाता है। रुद्र अपनी जगह से उठा ही था कि तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन के हाथ में बहुत सारा सामान था। उसके हाथ में हल्दी, नमक, चावल, उड़द की दाल, चंदन और भी बहुत कुछ था। यार अर्जुन, ये तो क्या लेकर आ गया? हमें यहाँ पर कोई खाना नहीं बनाना जो तू ये सब लेकर आ रहा है। ये चावल, नमक, हल्दी, आटे का क्या करेगा तू? हाँ, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। यार बताता हूँ, पर पहले नीचे तो बैठ आराम से पालती मारकर। रुद्र और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने जमीन पर पालती मारकर बैठ जाते हैं। अर्जुन अपने हाथ में आटा लेता है और जमीन पर कुछ बनाने लग जाता है। देख रुद्र, तुझे पता है कि हमारे भारत के पास कुछ ऐसी विद्याएं और शास्त्र हैं जो एक धरोहर के रूप में हमारे देश में छुपाकर रखी गई है। बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में पता है। जिस तरह हमारे भारत का ज्योतिष शास्त्र दुनिया भर में फेमस है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत का वनस्पति विज्ञान भी बहुत फेमस है। हमारे भारत में तो कई ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं और दूसरे देशों में ये नहीं पाई जाती। तो ये तो पता ही होगा कि आयुर्वेद में वनस्पतियों को यूज कैसे किया जाता है ये बताते। पर क्या तुझे ये पता है कि कुछ अद्भुत कारणों से तंत्र शास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है? क्या बात कर रहा है भाई, रुद्र ने अपना मुंह भाड़ते हुए कहा। हाँ भाई, जिन तंत्र शास्त्रों में वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है उसे वनस्पति तंत्र कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में रवि पुष्य नक्षत्र को बहुत ही उपयोगी माना गया है, इसलिए ज्यादातर क्रियाएं इसी वक्त की जाती हैं। दो मिनट, पुष्य नक्षत्र से याद आया, उस बार चाची ने धतूरे का उल्टा पौधा जो आंगन में लगाया था वो पुष्य नक्षत्र के दिन ही लगाया था ना? हाँ भाई, क्योंकि धतूरे का पौधा भी तो एक वनस्पति है और उस दिन चाची ने वनस्पति तंत्र का ही उपयोग किया था। अच्छा, जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं होती है वो लटजीरा की जड़ को जला करके भस्म बना लेते हैं, फिर भस्म को रोजाना गाय के दूध के साथ खाते हैं, उससे संतान की प्राप्ति होती है। एक मिनट, अब ये लटजीरा क्या है? रुद्र ने अर्जुन को बीच में ही रोकते हुए कहा। यार, ये एक वनस्पति है और इसे चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं, और गूगल पर डालेगा तो तुझे और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। इस लटजीरे से ही सबसे ज्यादा तंत्र किए जाते हैं। और तुझे पता है, सहदेवी की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर अनाज भंडार, तिजोरी या फिर किसी अन्य संपत्ति के साथ रखने से भी घर में कभी अनाज और धन की कमी नहीं होती। ये सहदेवी क्या है अब? ये भी एक वनस्पति है, देखने में तो घास की तरह लगती है पर है बहुत ही यूजफुल। तुझे पता है, बहुत से लोग इसका पत्ता, तना या जड़ पान में मिलाकर किसी को खिला देते हैं तो वो उसके वश में हो जाता है। क्या बात कर रहा है भाई? सच यार, ये जादू टोने तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत ही खराब होती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने जमीन पर आटे से एक स्टार बनाया था। वो उस स्टार के आसपास उसके अंदर हल्दी, नमक और चावल रख देता है और उस स्टार के बीचों बीच रुद्र के बचपन की फोटो रख देता है। अर्जुन अपने साथ चंदन का डिब्बा लाया था। अर्जुन ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्र के माथे पर और अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा देता है। ओम नमः शिवाय। यार, ये तो चंदन का तिलक क्यों लगा रहा है मुझे? यार, अब अगर ये नहीं लगाऊंगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें उस दुनिया से कब वापस आना है। अगर हम वहीं पर ज्यादा देर रहे तो हमारी रूहें वहीं पर कैद हो जाएंगी। क्या बात कर रहा भाई, तुझे तो पता ही होगा हमारे पुराणों और शास्त्रों में चंदन को हमेशा ही एक पवित्र पदार्थ माना गया है और ज्यादातर पूजाओं में इसे उपयोग किया जाता है। हाँ पता है, पर क्या तुझे ये पता है चंदन से भी कई टोटके किए जाते हैं? सच में? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा।
हाँ भाई, चंदन से कई प्रकार के शास्त्रीय टोटके किए जाते हैं। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा, अश्वगंधा और गोखरू चूर्ण में कपूर मिलाकर लगातार 40 दिन तक हवन कराया जाता है और चंदन से नजर भी उतारी जाती है। जिस व्यक्ति या बच्चे को नजर लगी होती है उसे चंदन की छाल का धुआं देने से नजर दोष दूर हो जाता है। यार वो सब तो ठीक है, पर मैं अभी भी नहीं समझा कि तूने मेरे माथे पर चंदन का टीका क्यों लगाया। तुझे ये तो पता ही होगा, जब किसी इंसान का दाह संस्कार किया जाता है तो वो मृतक के मुख पर चंदन की लकड़ी रखकर ही किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मृतक को स्वर्ग में चंदन की शीतलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी रूहें इस फोटो के पीछे के अतीत में जाएंगी तो वहां पर भी चंदन लगे रहने से हमें इसकी खुशबू आती रहेगी। जब इस चंदन में से बदबू आने लगेगी और साथ ही ये चंदन काला भी होने लगेगा तो समझ जाना हमारा वक्त खत्म हो गया है और हमारी रूहों को वापस से हमारी दुनिया में पहुंचना है। अच्छा रुद्र, अपना हाथ आगे कर, अर्जुन ने कहा। रुद्र अपना हाथ आगे करता है। अर्जुन वो चंदन रुद्र के हाथ की कलाई पर लगा देता है और अपने हाथ की कलाई पर भी लगा लेता है। रुद्र अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर इस फोटो के एकदम बीचों बीच रख। रुद्र अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर उस फोटो के बीचों बीच रख देता है। अर्जुन भी अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर उसके ऊपर रख देता है। रुद्र अपनी आंखें बंद कर। पर क्यों? मैंने जितना कहा उतना करना यार, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्र और अर्जुन दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रुद्र अब मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनना, मेरे शब्दों पर गौर करना, अर्जुन ने कहा। हाँ ठीक है। ममकार सिद्ध कुरु स्वाहा, अर्जुन ने कहा। रुद्र अपने बचपन के बारे में याद कर, वापस से उस दिन के बारे में सोच जिस दिन ये फोटो खींची गई थी। रुद्र याद करने की कोशिश कर, किसने तेरी फोटो खींची थी। रुद्र अपनी रूह को आज्ञा दे उस दिन में जाने की। रूह को आज्ञा दे, अपनी रूह को आज्ञा दे, साथ ही मेरी भी रूह को आज्ञा दे तेरे अतीत में जाने की। रुद्र सोच उस दिन के बारे में। रुद्र उस दिन के बारे में सोचने लगता है जिस दिन वो फोटो खींची गई थी। रुद्र के दिमाग में अर्जुन की बातें घूमने लग जाती हैं। वो अपनी रूह से अपने अतीत में जाने की परमिशन मांगने लगता है, साथ ही वो अर्जुन की रूह को भी अपने अतीत में ले जाने का आदेश देता है और अगले ही पल उन दोनों की रूहें उनके शरीर से निकलकर रुद्र के अतीत में पहुंच जाती हैं।